स्टार्ट कर रहा हूं दो मिनट में रिवाइज कर लो तब तक, तक। हाँ भी स्टार्ट कर रहे हैं ठीक <coughs> है तो लास्ट क्लास के अंदर बेटा मैंने कंट्रोलिंग स्टार्ट करा दिया था ठीक है ना सबसे पहले मैंने कंट्रोलिंग के डेफिनेशन कराई थी पांच मिनट का रिवीजन करेंगे फिर आगे चलेंगे है ना तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कंट्रोलिंग का मतलब क्या है एक्चुअली इज अ प्रोसेस वेयर वी परफॉर्मेंस और जब कंपेयर करते हैं इफ देर इज एनी डेविएशन अगर आता है ताकि दोबारा से फ्यूचर में ना हो ये मैंने बताया था तो कंट्रोलिंग इज नथिंग बट द द प्रोसेस वी कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड एंड इफ देयर इज एनी डेविएशन देन वी टेक द करेक्टिव मेजर्स ये बात बता दी थी उसके बाद मैं सीधा किस पे आया था मैंने बोला था ये सब नहीं पढ़ना हमें ना इंपॉर्टेंस ना लिमिटेशन हम बाद में पढ़ेंगे पहले हम समझ लेते हैं कंट्रोलिंग है क्या तो मैं सीधा किस पे आ गया था कंट्रोलिंग के प्रोसेस पे आ गया था है ना मैंने बोला था कंट्रोलिंग का प्रोसेस क्या है सबसे पहले मैंने आपको बताया था ऑफ वाला जो स्टेप किस, किस है एक तो प्लानिंग में और दूसरा हमारा के रखना, दोनों में सेम है पहला सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव या सेटिंग ही बात है, है ना? मेरा क्वेश्चन आप लोगों से मुझे बताओ जो हम ऑब्जेक्टिव या स्टैंडर्ड सेट करते हैं वो किसमें एक्सप्रेस होने चाहिए किसमें एक्सप्रेस होने चाहिए वेरी हाँ गुड कौन से एस्पेक्ट्स में quantitative में क्वांटिटेटिव टर्म्स ठीक है ना जिससे हमारी मेजरमेंट और कंपैरिजन इजी हो जाएगा तभी कंट्रोलिंग हो पाएगी अदरवाइज कंट्रोलिंग पॉसिबल नहीं है तो जो हम स्टैंडर्ड सेट करेंगे पहली बात तो क्वांटिटेटिव टर्म्स में होने चाहिए ना ज्यादा हाई होनी चाहिए ना ज्यादा लो होनी चाहिए ये बात ध्यान रखना ठीक है उसके बाद हम अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को क्या करेंगे मेजर करेंगे मेजर करने के बाद उसको कंपेयर करेंगे ठीक है और कंपेयर करने के बाद अगर कोई डेविएशन आती है और डेविएशन क्या है नेगेटिव है तो हम उस डेविएशन को एनालाइज करेंगे मैंने आपको बोला था एनालाइज करने के लिए मैंने आपको बताया था दो तरीके है ना कौन कौन से सीपीसी और एम बीई का मतलब क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल वी विल असाइन दर एस इन अवर ऑर्गेनाइजेशन वॉट आर के आर एस की रिजल्ट एरियाज ये वो एरियाज है जहां पे बीटा थोड़ा सा भी चेंज आया तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन सफर करेगी ये बात ध्यान रखना तो हम के आरएस असाइन कर लेंगे और अगर कुछ भी इन क्रिटिकल पॉइंट पे के आर एस पे चेंज होता है तो हम इसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे सब चीज को कंट्रोल कर, 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 uh, सब चीज को कंट्रोल करने की कोशिश मत करना रीजन बिकॉज एन अटेम्प्ट टू कंट्रोल कंट्रोल एवरीथिंग माइट एंड अप कंट्रोलिंग नथिंग सब को करने की कोशिश करोगे तो कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे ये कंट्रोलिंग का अटमोस्ट प्रिंसिपल है ये बात ध्यान रखना एम बीई बोलता है वेयर इज एम बी एम बी बोलता है जितनी भी डेवियशन है उनके गेंज डिसाइड कर लो अगर वो परमिजेबल लिमिट के ऊपर जाती है तब आप उसको हायर अथॉरिटी के सामने ले जाओ अदरवाइज मत ले जाओ उसको समझ में आ रही बात ये एमबीई था सारी बातें बता दी थी, थी और उसके बाद हम क्या लेंगे हम करेक्टिव एक्शंस लेंगे क्यों लेंगे करेक्टिव एक्शंस ताकि डेविएशन दोबारा से फ्यूचर में ना हो सो दैट द डेविएशन विल नॉट अकर अगेन इन द फ्यूचर इतनी बात समझ में आ गई ठीक है ना उसके बाद जरा इधर आ जाओ हां भाई आज जरा मैं थोड़ी इंपॉर्टेंस की बात करूंगा इम्पोर्टेंस और लिमिटेशन की बात करेंगे तो करें, तो कहा पढ़नी है तो मैंने आपसे बोला था एक तो आपको प्लानिंग के अंदर पढ़नी है प्लानिंग के लिमिटेशन बताया था प्लानिंग कॉस्टली होती है टाइम कंज्यूमिंग होती है सारी बात बताई थी नॉट गारंटी सक्सेस लैक ऑफ सारी बातें बताई थी ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ कंट्रोलिंग के अंदर भी लिमिटेशन होती है दो जगह लिमिटेशन प्लानिंग के अंदर और कंट्रोलिंग के अंदर यह बात ध्यान रखना अच्छे से पढ़नी है यहाँ पे ठीक पहले मैं बात करूंगा इंपॉर्टेंस की ठीक है हाँ भाई कंट्रोलिंग का मतलब तो अब हमें समझ में आ गया है तो पहले इंपॉर्टेंस क्या है कंट्रोलिंग किस चीज में हेल्प करती है हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल मैंने आपको दो बातें बताई हैं फर्स्ट पार्ट के अंदर आग बंद करके लिख सकते हो ठीक है किसी भी चीज की फर्स्ट बुक की बात कर रहा हूँ सेकंड चीज नहीं ठीक है ना सेकंड बुक की बात नहीं कर रहा फर्स्ट बुक के अंदर कोई भी टॉपिक है उसके अंदर दो इम्पोर्टेंस तो सब जगह है एक हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल और दूसरा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मैंने आपको बता रखा है तो ये दो इंपॉर्टेंट सब जगह आ सकती है आग बंद करके लिख सकते हो है ना तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है पहला कंट्रोलिंग हेल्प इन अचीविंग दी ऑर्गेनाइजेशनल गोल अब मेरा क्वेश्चन आपसे मैंने कंट्रोलिंग का मतलब तो बता दिया है आपको क्या लगता है कंट्रोलिंग किस तरीके से हेल्प करती है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करने के लिए जल्दी बताओ हाँ भाई कंट्रोलिंग का मतलब क्या हम एक्चुअल परफॉर्मेंस कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस और कुछ अगर कमी आती है तो उसके लिए करेक्टिव मेजर्स लेते हैं है ना तो मुझे बताओ ऑब्जेक्टिव सेट कहा हुए हैं ऑब्जेक्टिव सेट हुए हैं प्लानिंग में और कंट्रोलिंग में हम कोशिश कर रहे हैं कि वो जो ऑब्जेक्टिव सेट हुए हैं उनको हम क्या करें अचीव करें तब जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस दोनों क्या करें मैच यानी कंट्रोलिंग परफॉर्मिंग लिए हो रही है ताकि जो हमने स्टैंडर्ड जो गोल्स जो सेट करें प्लानिंग के अंदर हम उनको अचीव करें कंट्रोलिंग का तो सारा एम यही है है कि हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस मैच करे किससे से है ना मान लो नहीं कर रही फिर हम पीछे लग जाते हैं अगर कोई कमी आ रही है उसको सॉल्व करते हैं है ना ताकि हमारे जो गोल्स हैं जो हमने डिटरमाइन कर रखे हैं वो अचीव हो जाए ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो जाए कंट्रोलिंग का मेन पर्पस पर्पज अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल है समझ में आ रही बात तो बाय कंट्रोलिंग अब मैनेजर कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद दी स्टैंडर्ड मैंने बता रखा है स्टैंड कहां से टू स्टैंडर्ड मेड एड प्लानिंग

लोग सोचते हैं कि अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस मैच नहीं कर रही स्टैंडर्ड से तो हो सकता है एक्चुअल परफॉर्मेंस में कमी रह गई हो हमेशा ऐसा नहीं होता हमेशा ऐसा नहीं है हो सकता है आपने जो स्टैंडर्ड सेट करे थे वही गलत हैं जो अचीवेबल नहीं है फॉर एग्जांपल मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर एक छोटा सा एग्जांपल दिया था मैंने बोला था फॉर एग्जांपल मैं टेस्ट ले रहा हूँ और मैंने टेस्ट में स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि भाई जिसके 90 परसेंट आएंगे वही पास होगा अदरवाइज सारे फेल हो जाएंगे जिसके नाइनटी नहीं आएंगे अब मैं कह रहा हूं मान लो किसी भी बच्चे के 90 परसेंट नहीं आए टेस्ट के अंदर सारे फेल हो गए है ना तो मुझे बताओ कि एक्चुअल परफॉर्मेंस में कमी थी नहीं मैंने स्टैंडर्ड्स ही गलत सेट कर दिए थे मैंने स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा हाई सेट कर दिए थे है ना तो मुझे कब पता चला कि स्टैंडर्ड्स मेरे बहुत हाई थे जब मैंने कंट्रोलिंग परफॉर्म करी जब मैंने एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करा किस से स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से तो जरूरी नहीं है हमेशा एक्चुअल परफॉर्मेंस में कमी हो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस में भी कमी हो सकती है और वो किससे पता चलता है कि हमारे स्टैंडर्ड्स एक्यूरेट है नहीं है कंट्रोलिंग से समझ में आ रही बात थ्रू कंट्रोलिंग और कंट्रोलिंग एनेबल्स मैनेजमेंट टू वेरीफाई वेदर दी स्टैंडर्ड्स मेड एट प्लानिंग आर एक्यूरेट और नॉट समझ में आ रही बात कि जो हमने स्टैंडर्ड सेट करे हैं जो स्टैंडर्ड सेट करे हैं प्लानिंग के अंदर वो एक्यूरेट हैं या नहीं है ठीक तो है तो सेकंड है जजिंग दी एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स हमारे स्टैंडर्ड्स की एक्यूरेसी को जज करता है दूसरा है ना

बोलो बेटा बोलो ट्राई तो करा करो तभी तो याद होंगी चीजें जब मेरे से बात करोगे डिस्कशन करोगे वन वे कॉम्युनिकेशन कभी बेनिफिशियल नहीं होती मैंने कॉम्युनिकेशन के अंदर बताया डायरेक्टिंग के अंदर मैसेज आया

क्या कह रहे हो दे विल परफॉर्म बेटर इफ देर इज एनी स्टैंडर्ड करेक्ट वही मैं कह रहा हूं मुझे एक बार बताओ अगर मैं आपको पहली से बता के रखूं कि बेटा आपको ये ये चीज करनी है ये सारी चीज करनी है तो आपको अगर पहली से सारी चीजें क्लियर होंगी तो आप कहीं ना कहीं काम करने के अंदर मोटिवेटेड रहोगे फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम देने जा रहा हूं मेरे को सारी चीजें आती हैं पता है कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सारी चीज मैं प्रिपेयर्ड हूं तो मैं मोटिवेटेड रहूंगा ना एग्जाम्स के अंदर मानो मैंने पढ़ाई नहीं करी मेरे को पता ही नहीं है क्या सिलेबस था क्या चीज है मैं डिमोटिवेटेड रहूंगा एग्जाम्स के अंदर तो एक ध्यान रखना इंसान के मोटिवेशन का एक और रीजन है कि अगर उसको नॉलेज है कि वो क्या परफॉर्म कर रहा है क्या काम कर रहा है है ना

ये क्या लिखा है एम्प्लॉयज नो वेल इन एडवांस ठीक है ना बट नहीं वॉट दे आर एक्सपेक्टेड टू डू समझ में आ गई बात उनको क्या करना है समझ में आ रही बात एंड ऑल्सो दर्फॉर्मेंस देयर फॉर इट मोटिवेट एंड हेल्प देम टू अचीव बेटर परफॉर्मेंस ताकि उनके परफॉर्मेंस क्या है बेटर आए ठीक है बेटा तीन इंपॉर्टेंस हो गई

ठीक है पहला हेल्प अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल और एक ये सब जगह मिलेंगे खर्चा ना ज्यादा हो कम खर्चे पे हम ज्यादा रिसोर्सेज यूज करके ज्यादा बेनिफिट डिराइव कर पाए ठीक है दैट इज एफिशिएंसी है ना तो मैं कह रहा हूँ बेटा हम अपने रिसोर्सेज एफिशियंटली यूज कर पाते हैं अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंट्रोलिंग यूज कर रहे हैं कैसे बोलो बेटा बोलो चाहे लिख के भेज दो चाहे लिख के भेज दो बेटा लिख के भेज दो जल्दी हाँ भाई बहुत ही सिंपल है मैसेज आया चलो आज कम से कम पार्टिसिपेट कर रहे हैं बच्चे बढ़िया लग रहा है करेक्ट है मैं युवराज गलत नहीं बोल रहा बट थोड़ा इसको और बेटर करो युवराज ने लिखा अचीव करना है बट मुझे बताओ युवराज इससे एफिशिएंसी uh, कैसे आ रही है एंड हाउ इट इज रिलेटेड विद कंट्रोलिंग करेक्ट अगर हमें पहले से पता होगा तो हमें वेस्टेज नहीं होगी ना, ना, ना टाइम की ना एफर्ट्स की कि हमें क्या काम करना है करेक्ट है बिल्कुल मैं गलत नहीं बोल रहा बट थोड़ा सा और इम्प्रूव करो

बट अगर आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड से मैच नहीं कर रही तो कहीं ना कहीं टाइम की वेस्टेज हो रही है एफर्ट्स की वेस्टेज हो रही है पैसों की वेस्टेज हो रही है समझ में आ रही बात तो चाहे वो फिजिकल रिसोर्स हो चाहे फाइनेंशियल रिसोर्स रिसोर्स तो है ना है ना तो रिसोर्सेज की वेस्टेज हो रही है कंट्रोलिंग का मेन फोकस होता है ये वेस्टेज ना हो रिसोर्सेज की और हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड से मैच कर जाए ये कौन कराता है कंट्रोलिंग ही तो करता है तो बाय द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग मैनेजर इंश्योर्स आर ठीक है फुल्ली एम्प्लॉयड एंड यूटिलाइज्ड हाँ भाई उसके बाद दो और बता दो जल्दी से कोऑर्डिनेशन को फैसिलिटेट करती है पहले तो मैं पूछूंगा व्हाट इज कोऑर्डिनेशन मुझे बता दो कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ाया था मैंने आपको नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर हाँ भाई कोऑर्डिनेशन का मतलब ऐसे बता दो माइक ऑन करके तीन है, of of कैसे, कैसे जाते है यार, आप लोग पढ़ते हो निकाल देते हो कह रहा हूँ बेटा कोआर्डिनेशन का मतलब हार्मोनाइजेशन सिंक्रोनाइजेशन एंड यूनिफिकेशन किस चीज का हमारे एफर्ट्स का चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो डिपार्टमेंट्स क्योंकि आपस में मिलकर हमें काम करना है दैट इज दर्डिनेशन मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर डिटेल में बताया है व्हाट इज कोऑर्डिनेशन अब कंट्रोलिंग की वजह से कोऑर्डिनेशन आता है मैंने ऐसा लिखवाया देखो फैसिलिट कंट्रोलिंग फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन हाउ हां भाई अब बोलो युवराज जो बात बोल रहे थे पहले

कोई भी फर्स्ट नहीं होगी फर्स्ट मतलब केओस नहीं होगी सब आपस में मिलके काम करेंगे सारे डिपार्टमेंट्स हो चाहे इंडिविजुअल्स चाहे हम लोग हो इंडिविजुअल हो चाहे वो डिपार्टमेंट हो सेल्स डिपार्टमेंट मार्केटिंग डिपार्टमेंट परचेस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सबको अपना काम पता है कैसे पता है क्योंकि आपने पहले स्टेप के अंदर क्या डिसाइड कर लिया ऑब्जेक्टिव सेट कर दिए है ना ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट सेट कर दिए कंट्रोलिंग का पहला स्टेप ये तो ना है ना तो बेटा ऑब्वियसली इससे क्या आएगा का काम के अंदर कोऑर्डिनेशन तो आना ही भाई ठीक है तो इन कंट्रोलिंग इस डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉज गवर्न वेल कोऑर्डिनेटेड विद वन अनदर ठीक है लास्ट बता दो इंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन बहुत ही सिंपल है जल्दी बताओ इंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन जल्दी 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 बोलो बेटा बोलो अच्छा कंट्रोलिंग मुझे बताओ कैसे इंश्योर करोगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपको कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग करनी है control, control है है कंट्रोल कंट्रोल करना ना तो तो के लिए आपको कोई इंसान तो चाहिए होता है, था, है ना? तो के अंदर चाहिए नहीं चाहिए जो स्टैंडर्ड जिसके पास रहे स्टैंडर्ड देखता रहे और काम कराता रहे से ताकि एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड से मैच कर जाए है ना तो बेटा इट इन्श्योर ऑर्डर और डिसिप्लिन आता है क्यों? जो कंट्रोलिंग मैनेजर होता है वो रूल्स एंड रेगुलशन को फॉलो करता हुआ चलता है किसी भी employee को ऐसा नहीं होने देता कि वो रूल्स एंड रेगुलेशन को वायलेट करे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनसे काम कराता है चेक करता रहता है कि एम्प्लॉय काम कर रहे हैं स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग या नहीं उनको डांट भी रहता है ठीक है तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या इंश्योर करता है ऑर्डर एंड डिसिप्लिन कंट्रोलिंग क्रिएट्स एन एटमोसफेयर

इतनी बात समझ में आ गई आगे चले वेरी गुड हाँ भाई हाँ भाई अब जरा आ जाओ लिमिटेशन पे कमियां कंट्रोलिंग की बेटा क्या क्या लिमिटेशन हैं क्या क्या कमियां हैं इसके अंदर ठीक है क्या क्या डिसएडवांटेजेस है हैं ये भी बोल सकते हो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज जो आप मेरे से बोलो ना वो ये है बेटा कि स्टैंडर्ड्स को सेट करने में बड़ी दिक्कत होती है

लेवल ऑफ मोटिवेशन क्या आप मेरा लेवल ऑफ मोटिवेशन मेजर कर सकते हो नहीं कर सकते मेरा जॉब सेटिस्फेक्शन मेजर कर सकते हो नहीं कर सकते मेरी टीचिंग स्किल्स मेजर कर सकते हो कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूं है ना आप नहीं उसको मेजर कर सकते आप बस हाँ बस ये बोल सकते हो अच्छा बुरा एवरेज ये सब बोल सकते हो बात समझ में आ रही है है ना

मान लो दे दिया कि आज एक दिन के अंदर हंड्रेड यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है टारगेट है अब हंड्रेड प्रोड्यूस करोगे तो टारगेट अचीव प्रोड्यूस नहीं करोगे तो टारगेट अचीव नहीं है तो यहाँ पर तो कर तो सेट करने में ठीक है तो कंट्रोलिंग सिस्टम लूजेस इट्स इन टर्म्स एज इट इज वेरी क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स फॉर ह्यूमन बिहेवियर कॉमा मा जॉब सेटिस्फेक्शन कॉमा मोटिवेशन एट्रा इनके लिए आप सेट नहीं कर सकते तो इन दिस केस इट इज हार्ड टू कंपेयर एक्चुअल पहली लिमिटेशन समझ में आई वेरी गुड सेकेंड बताओ लिखा है मैंने कि नो कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स बेटा एक्सटर्नल फैक्टर्स पर कोई कंट्रोल नहीं है

बहुत सारी चीजें होती हैं अलग अलग फैशन चलता रहता है ट्रेंड के अंदर है ना फैशन चेंज हो गया अब उस पर तो मेरा कंट्रोल नहीं है ना तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स है, है जो जो फैक्टर्स एक्सटर्नल हैं ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं बट वो एक्सटर्नल है इंटरनल फैक्टर्स नहीं है इंटरनल फैक्टर पे भले ही मैं कंट्रोल कर सकता हूँ बट मेरा किस पे कंट्रोल नहीं है एक्सटर्नल फैक्टर्स पे सरकार चेंज हो गई है ना गवर्नमेंट की कोई नई पॉलिसी आ गई तो इन सारी चीजों पर मेरा कंट्रोल नहीं है तो कंट्रोलिंग बेटा यहाँ पे भी फेल हो जाती है कि आपने जो स्टैंडर्ड सेट करे थे आज आपकी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है मैच नहीं कर रही वो आपकी गलती नहीं है आपके ऑर्गेनाइजेशन की गलती नहीं है वो बाहर एक्सटर्नल फैक्टर्स में चेंज हो रहा है उसकी वजह से आप अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड से मैच नहीं करा पा रहे तो यहां पे भी कंट्रोलिंग लूजेस इट्स इफेक्टिवनेस हाँ भाई समझ में आ रही है नहीं आ रही तीसरे पे आ जाओ वेरी गुड रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉइज एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है employees को अगर ये बताओगे कि वो क्या गलत कर रहे हैं बार बार टोक क्योंकि आपको भाई अपनी स्टैंडर्ड तो उस कहीं ना शो करते हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं करते तो कंट्रोलिंग को बहुत एस्केप करते हैं बहुत ज्यादा अपनी गलती मानने को ही नहीं होते कौन हमारे एम्प्लॉइज ठीक है तो जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो रेजिस्टेंस दिखाते हैं किस चीज में कंट्रोलिंग फंक्शन के अंदर उनको कंट्रोलिंग पसंद नहीं है किन को एम्प्लॉय को ह्यूमन नेचर है अपनी गलती मानते ही नहीं है इंसान और एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट बेटा कॉस्टली प्रोसेस है तो प्लानिंग में मैंने बताया था प्लानिंग भी कॉस्टली है कंट्रोलिंग भी कॉस्टली है क्यों कंट्रोलिंग कॉस्टली है आपको ऑब्जर्व करने के लोग तो चाहिए एम्प्लॉयज को ऑब्जर्व करेंगे है ना फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड से मैच करने के भी लोग चाहिए तो बेटा यहाँ पे अच्छा खासा ह्यूमन रिसोर्स यूज होता है और ह्यूमन फ्रीली काम नहीं करते ध्यान रखना तो इट इज अ कॉस्टली प्रोसेस इवन टाइम कंज्यूमिंग भी है ध्यान रखना तो कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग एक में मर्ज कर सकते हो ठीक है तो पहला किसमें डिफिकल्टी आती है स्टैंडर्ड्स को सेट करने में दूसरा एक्सटर्नल फैक्टर पे कोई कंट्रोल सिस्टम ही नहीं है ठीक है हमारे एम्प्लॉज रेजिस्टेंस शो करते हैं एक्सेप्ट नहीं करते कंट्रोलिंग फंक्शन को कंट्रोलिंग हमें कॉस्टली भी पड़ता है और टाइम कंज्यूमिंग भी है समझ रहे हो बातों को है ना अब मेन बात देखो ये वाला जो टॉपिक है जो लास्ट टॉपिक रह रहा है 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 ये वैसे तो सिलेबस से निकाल दिया गया ठीक है, है ना सिलेबस से निकल गया है हट गया है बट थोड़ा सा है मिनट का पढ़ लो कुछ नहीं जा रहा उसके अंदर मैं पहले बता दू बट बत फिर भी सिलेबस में नहीं है अच्छा बट इंपॉर्टेंट इसलिए जब प्लानिंग पढ़ रहे हो कंट्रोलिंग पढ़ रहे हो तो दोनों के बीच का रिलेशन भी पता होना चाहिए ठीक है एक बस लाइन बताऊंगा ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा फिर मैं मुझे बताओ प्लानिंग फर्स्ट फंक्शन होता है मैनेजमेंट का करेक्ट है मुझे मैं एक लाइन बोलूंगा मुझे बताना सही है गलत है ठीक देयर कैन बी प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग बताओ भाई सही है या नहीं देयर कैन बी प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग हाँ या ना बोलो बोलो देयर कैन बी प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग देख तो कुछ बोलते नहीं अरे लिख के भेज दो सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं हूँ कैन बी प्लानिंग प्लानिंग हो सकती है विदाउट कंट्रोलिंग अरे इतना सिंपल तो है यस yes. क्या प्लानिंग नहीं हो सकती विदाउट कंट्रोलिंग प्लानिंग तो फर्स्ट फंक्शन है कंट्रोलिंग तो लास्ट है तो प्लानिंग तो हो सकती है प्लानिंग इज पॉसिबल प्लानिंग इज पॉसिबल विदाउट कंट्रोलिंग बिकॉज प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन है ना बट ऐसी प्लानिंग का कोई फायदा नहीं है ठीक है ना बट देर इज नो यूज ऑफ सच प्लानिंग इफ देर इज नो कंट्रोलिंग क्यों क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा आपके प्लान एक्यूरेट हैं या नहीं है समझ में आ गई बात ठीक है आपको अपने प्लान की एक्यूरेसी नहीं पता चलेगी जब तक आप उसको एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर नहीं करोगे तो यानी देर कैन बी प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग ठीक है ना बट देर इज नो कंट्रोलिंग विदाउट प्लानिंग ठीक है ना कंट्रोलिंग की तो एग्जिस्टेंस ही तभी आती है जब स्टैंडर्ड सेट हो जाते हैं है ना और स्टैंडर्ड सेट होते हैं प्लानिंग के अंदर तो अगर कोई प्लानिंग ही नहीं हुई तो कंट्रोलिंग की एक्सिस्टेंस ही नहीं है तो देयर कैन बी प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग बट इज नो विदाउट प्लानिंग ये बात बात ध्यान रखना समझ मेरी बात को है ना ठीक अच्छा एक बात और सुन लो जरा छोटी सी प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग दोनों बैकवर्ड लुकिंग भी और फॉरवर्ड लुकिंग भी है ठीक है इसका मतलब क्या है बैकवर्ड लुकिंग मतलब पास्ट से रिलेट करती है पास्ट से ठीक और फॉरवर्ड लुकिंग कहां से रिलेट करती है फ्यूचर से सुन लेना बस दो मिनट की और ले रहा हूँ क्लास बस में खत्म है फिर ये चैप्टर भी हमारा बेटा प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ आर बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग अगर मैं प्लानिंग की बात करूं तो मैंने प्लानिंग के अंदर पढ़ाया था प्लान आर मेड फॉर फ्यूचर ठीक है प्लानिंग हम किसकी करते हैं है? हमेशा फ्यूचर की है ना तो प्लान आर फ्यूचरिस्टिक बिकॉज प्लानिंग के अंदर हम डिसाइड करते हैं वॉट टू डू एंड हाउ टू डू समझ में कैसे करना और क्या करना है प्लानिंग ब्रिज इज दैप बिटवीन वेयर वी आर एंड टू बी प्लानिंग हाउ कंट्रोलिंग के अंदर हम क्या करते हैं को से match करते हैं। और इफ देर इज एनी डेविएशन देन वी टेक द करेक्टिव मेजर्स ये बता रखा है मैंने बात। अब बस मैं छोटी सी बात बता दो मैंने आपको बता रखी है why we take the corrective measures. जल्दी बताओ। why we take the corrective measures. आंसर आ जाना चाहिए इस बार वाई वी टेक द करेक्टिव मेजर्स याद करो मैंने फिफ्थ जो स्टेप था प्रोसेस का उसमें लिखवाया भी था वाई वी टेक द करेक्टिव मेजर्स सो दैट सो दैट जल्दी बता दो सारे बेवकूफ मेरे पास ही हैं सब बेवकूफों को मैं ही पढ़ा रहा हूं सो दैट द डेविएशन विल नॉट अकर अगेन इन द फ्यूचर ताकि वो दोबारा से फ्यूचर में ना हो समझ रहे हो बातों को ठीक है तो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ आर फॉरवर्ड लुकिंग अब अगर मैं बैकवर्ड लुकिंग की बात करूं तो बेटा कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग वाई इट इज बैकवर्ड लुकिंग क्योंकि हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को किससे कंपेयर करते हैं प्लान से और प्लान कहां पे हमने बनाए थे पास्ट में

ठीक है दोनों कंट्रोलिंग की दोनों क्लासेस सेंड कर दूंगा कल वाले क्लास के अंदर इसकी केस स्टडी करके खत्म करते हैं ज्यादा केस स्टडीज नहीं है छोटा सा चैप्टर चैप्टर है इसके बाद बस हमारे दो रह जाएंगे दैट इज कौन कौन सा बिजनेस एनवायरमेंट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन और ये दोनों चैप्टर होते ही तो मैंने तो कोर्स एक बार कंप्लीट करा दिया ये मान के चलो एक बार हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया खत्म होते ही फिर मैं दोबारा से पहले चैप्टर से स्टार्ट हो जाऊंगा भाई मैं तो लेना फर्स्ट चैप्टर से पढ़ाना स्टार्ट हो जाऊंगा मैं तो पढ़ाता रहूंगा एंड डे तक ठीक है आपके ऊपर है कितना पढ़ रहे हो मेरे से कितना लेके जा रहे हो ठीक है चलो भाई बाय दैट्स ऑल फॉर टुडे